तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज़ लाइव। बॉलीवुड एक्ट्रेस संदीप नाहर की आत्महत्या मामले में गोरेगांव पुलिस ने नया खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक संदीप नाहर के शव को लेकर उनकी पत्नी कंचन शर्मा दो अस्पतालों में चक्कर लगाती रही। संदीप को अस्पताल में मृत घोषित किए जाने के बाद कंचन पुलिस को सूचना दिए बगैर शव को अपने साथ घर लेके आ गई। पुलिस के मुताबिक संदीप ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जब इसकी जानकारी उनकी पत्नी कंचन को हुई, उन्होंने दरवाजा तोड़ने के लिए कारपेंटर को बुलाया। उनकी पत्नी ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर संदीप को पंखे से उतारा और उन्हें नजदीकी अस्पताल ले गई। हालांकि सुसाइड का मामला होने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती करने से मना कर दिया गया। इसके बाद उन्हें एक अन्य हॉस्पिटल ले जाया गया और जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जांच में यह भी सामने आया है कि इसके बाद कंचन डेड बॉडी को लेकर घर आ गई और फिर पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ताकि मौत के कारणों का पता चल सके। इस मामले में कमरे का दरवाजा खोलने वाले कारपेंटर का बयान महत्वपूर्ण हो सकता है। शाम को गोरेगांव पुलिस को खबर मिली कि एक संदीप नाहर नाम के आदमी ने सुसाइड किया है। उसके बारे में जब हमारी पुलिस यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे पहुंचने के पास में बाद में वहाँ पे उनकी जो वाइफ है कंचन नाहर करके, वो यहाँ पे थी। वहाँ पे एक संदीप नाहर जी की उनके यहाँ पे बॉडी भी थी। जब हमें पता चला तब हमने उसको इमीजिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट किया हुआ है। अभी उसका पीएम होने के बाद में हमको इसका एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ पता चलेगा। जब जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके हिसाब से उनकी वाइफ ने इसे बताया हमें कि जब वो उनका दरवाज़ा खोल नहीं रहे थे तब उन्होंने वो जो घर के मालिक है वो और कारपेंटर की हेल्प से जब दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा अंदर से बंद था, वो खोलने के बाद में उनको उनकी जो बॉडी है वो एक बेडशीट में एक हैंगिंग कंडीशन में उनको दिखी थी। और बाद में उसको हॉस्पिटल में लेके गए, तो हॉस्पिटल ने दो हॉस्पिटल में लेके गए, कपाड़िया हॉस्पिटल और एसआरबी हॉस्पिटल, दोनों भी गोरेगांव वेस्ट में ही है। वहाँ पे लेके जाने के बाद में जो वहाँ पे प्रेजेंट डॉक्टर थे उन्होंने चेक किया तो उन्होंने उनको उनके हिसाब से उन्होंने बताया कि वो डेथ दे करके, इसलिए वो घर पे लेके आए। घर पे लाने के बाद में जब पुलिस को पता चला तो पुलिस यहाँ पे आई तो उन्होंने बॉडी को इमीडिएटली हॉस्पिटल में भेजा है। अभी उसका जब पोस्टमार्टम होगा उसके बाद में एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ पता चलेगा।